ये हमारे ताऊ जी है, गाँव से है, और ये सभी सुबह सुबह गौशाला में जाते हैं, गाँव की गौशाला में, और बहुत ही अच्छा मतलब काम करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। तो ये होती है हमारी विलेज लाइफ, आप देख सकते हो। ताऊ जी बोल दे कुछ गौ माता खातर। सेवा करनी है। हाँ भाई, ताऊ जी को एक ही संदेश है कि गौ माता की सेवा करो ज्यादा से ज्यादा। जितना देवता है गौ माता में। हाँ, सारा मतलब जितना भी देवता है सारा गौ गौ गवाई है। गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करो, बहुत ज्यादा फायदा है, ना कि मतलब भजन कीर्तन का फायदा गौ माता की सेवा करने में। तीन दिन सेवा करने के बाद में तेन को आप ही फल दी। अभी मुगल छिड़िया चकल ठीक है। तो चलना गौशाला में हालत को हे गौ माता, अजय लवा लिया कैमरा मैन, दूर दूर ना रहा है भाई। सवेरे सवेरे गौ माता की गुड़ जरूर खुवाना चाहिए। हाँ। ठीक है, गौ माता ने गुड़ खुआ बहुत ज्यादा फायदा है। हमारे दो फौजी भाई नौकरी लागे गौ माता की सेवा करते गौशाला में, है ना भाई? लग गया भाई। हाँ, अरे एक भाई ऐड है, दिखाऊंगा आपने, जन्म तक मतलब विकलांग था वो, पांगड़ा गौशाला माए बाद में चल गया। ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सेवा करी मतलब डॉक्टर का समझ में कौन है यार, गौ माता की सेवा करने के बाद में वो चल गया भाई, बहुत ज्यादा मतलब फायदा होगा गौ माता की सेवा करने। और जो मजा विलेज लाइफ में, जो मजा गौ माता की सेवा में, वो कड़े भी कौन है, कड़े भी चल जाइयो दुनिया में। गौ माता तो बड़ी कोई हस्ती नहीं, एक एक थारा गांव से बड़ी कोई बस्ती नहीं। बह जागा मेरी आँखियाँ के पानी में, ओ कदे पूजे थे घर घर में, जब पड़ गया फर्क कदर में, इतनी कल्याणी में, दर दर ठोकर खाई में। गौ माता दर बदर की ठोकर खांती फिरन लाग रही है, कुछ तो शर्म करो हिंदू लोगो, अपने आप को हिंदू कहते हो, गौ माता की सेवा करे करो यार। बच्ची ले जाऊंगा वो भी देसी गौ माता, सब कुछ देसी देसी होना चाहिए हरियाणा के अंदर, समझ गए के है भाई? कैमरामैन सुभाष भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम, अपना बताओ। अपने सुभाष भाई है, पहले गौशाला में ड्यूटी करते थे। बिल्कुल सर। और अब स्कूल वैन चलाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई, हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, ये साउंड का काम करते हैं। तो सुभाष भाई का लड़का पीछे गाड़ी इनकी खड़ी है ना सुभाष भाई? हाँ जी सर। गौ माता की मतलब सेवा करने का क्या फायदा है? देखो, गौ माता की सेवा करने से पहले भाई ऐसा है कि जो अपना घर है, बच्चा है, परिवार है, उसमें सुख शांति रहती है। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गौ माता की सेवा करता है ना, वो ही असली हिंदू है। हाँ, असली हिंदू है बिल्कुल। और गौ माता की सेवा करने से घर में, परिवार में, बच्चों में, परिवार में, सारी चीज़ में, हाँ, अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो है ना, उसमें सुख में सुख शांति रहती है, सब में फायदा है। हाँ जी, सब में फायदा है। तो गौ सेवा उत्तम सेवा है, गौ सेवा करने से इंसान की उन्नति बढ़ती है और हर चीज़ में फायदा होता है। तो गौ माता की सेवा करो। जय गौ माता, जय गोपाल। ओके ओके भाई, ये अपने गौ माता की सेवा करते हैं गौशाला के अंदर। पहले जो हमारे रहते थे यहाँ पर सावरा जी, आपके रिश्तेदार है ना, फिल्मदोरी के लोग, कैसे है गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अंकल का भी संदेश है, थोड़ा काम में जल्दी है, फुर्सत में बनाएंगे वीडियो अंकल की। आ जाओ, छोटी बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों को भी बोर्ड दिखाना पड़ेगा भाई। कैमरामैन बच्चों के पास अंदर से हम नहीं दिखाएंगे आपको,
देख सकते हो भाई छोटी छोटी बच्ची है, थोड़ा डिस्टर्ब कौन करना चाहूँ मैं, सर्दी का मौसम है। तो दोस्तों ये मैं थाने उस भाई तक मिलाऊं जिस भाई ने इस गौशाला में सबसे बड़ा पर्चा मिला। रुक जा भाई, भाई संजय भाई, गौ माता की सेवा करने से कितना फायदा हुआ बताइए। फायदा हुआ बाप रो है, दुरुसा करे ने उसने बाप को भाई मेरा भाई सुने भाई, मतलब बचपन से अपंग था भाई, अपंग था भाई, ठीक है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं जमा? हां डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया रोहतक तो आपसे है भाई, रोहतक तो कोई रोहतक को नार बाबा सबसे बड़ा पीजीआई रोहतक है, मतलब रोहतक वाला ने जवाब दे दिया भाई, लेकिन गौशाला में के अपना सफल मिली भाई अपन। हां और बचपन तक लेकर आज तक भाई गौशाला में ही सेवा करा है, और दूसरा काम मन ही को लगा भाई का, बस गौ सेवा करा करो भाई, ठीक है। और अपना घर परिवार ठीक है सारा? हमारा जी भाई धन्यवाद, ठीक है भाई।